नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। विपक्ष के पीडीए को मात देने के लिए भाजपा भी अपने ओबीसी मोर्चा को मजबूत करने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज लखनऊ में आयोजित की गई, जिसमें सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें यूपी भाजपा की अंतर्कला एक बार फिर देखने को मिली है। दरअसल जब केशव प्रसाद मौर्य कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने खूब नारेबाजी की। इस दौरान दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भाषण दे रहे थे, लेकिन सब ने बेचारे पाठक जी को इग्नोर कर दिया, केशव मौर्य पर फोकस किया। केशव मौर्य के चेहरे की मुस्कान कार्यकर्ताओं का धन्यवाद कर रही थी और कार्यकर्ताओं का जोश केशव मौर्य की शक्ति बता रहा था। ब्रजेश पाठक भाषण दे रहे थे और ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और यूपी के राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप लगातार लोगों से अनुरोध कर रहे थे, लेकिन लोग खामोश होने के लिए तैयार नहीं थे और केशव मौर्य के जयकारे लगते रहे। देखिए ये वीडियो। ब्रजेश पाठक जी का भौतिक नातिक आदि उद्बोधन हमारे बीच में है। सभी साथी बैठिए, भारत माता की बैठिए। वही बैठक में सीएम योगी के आने की खबर लगते ही केशव मौर्य ने अपना संबोधन खत्म किया और निकल लिए। केशव मौर्य सपा मुखिया अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर लगातार जो है वो आक्रमण कर रहे थे, हमलावर थे। लेकिन उन्होंने जैसे ही उन्हें खबर लगी कि सीएम योगी आने वाले हैं, उनकी सिक्योरिटी आई और चेकिंग चली, तो केशव मौर्य को भनक लग गई कि सीएम योगी आने वाले हैं। इस दौरान उन्होंने अपना भाषण जल्द खत्म किया और निकल ली। लेकिन जाते जाते वो विक्ट्री का साइन दिखाते हुए निकले। इसके बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ विश्वेश्वरैया हॉल में पहुंचे तो कार्यकर्ताओं में उतना जोश नजर नहीं आया। केशव मौर्य के जो नारे लग रहे थे वो इस टाइम कार्यकर्ताओं में जोश नजर नहीं आया। देखिए ये वीडियो। वही दिल्ली में पार्टी हाईकमान से मिलने के बाद भी यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के तेवर नर्म नहीं पड़े। आज के कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया तो लोग हैरान रह गए। यूपी में बीजेपी ओबीसी मोर्चा की बैठक में मौर्य ने एक बार फिर इशारों ही इशारों में सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव हमेशा पार्टी ही लड़ती है और पार्टी ही जीतती है। बीजेपी सरकार के तमाम मुख्यमंत्रियों को नहीं पता कि वो कभी सीएम बनेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने समाजवादी पार्टी को भी आड़े हाथों लिया। उत्तर प्रदेश के दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जब विश्वेश्वरैया हॉल में पहुंचे तो कार्यकर्ताओं में बिल्कुल नरमी थी, वो जोश नहीं था। सीएम योगी पहुंचे तो जोश नहीं था, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जब बैठक में पहुंचे तो जयकारे बता रहे थे कि ओबीसी को उनका नेता मिल गया है जो उनकी अब आवाज़ बनकर के उभरेगा। खैर, भाजपा में एक बार फिर अंतरकला देखने को मिली। हालांकि दिल्ली इस कलह को निपटाने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल अभी अंतरकला कब निपटेगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।